हेलो एवरीवन, दिस इज मीनाक्षी एंड इन दिस वीडियो वी स्टार्ट क्लास 10th एक्सरसाइज 3.6 क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन है हमारा कि आपको इसमें प्रॉब्लम्स, ये प्रॉब्लम सम है, ओके। तो इसमें प्रॉब्लम सम में आपको क्या करना है, आपको इसमें पहले इक्वेशन फॉर्म करनी है, फिर इक्वेशन फॉर्म करने के बाद वहां से आपको एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, मीन्स आपको इक्वेशन के सोल्यूशन फाइंड करने हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये क्या, ये रितु लड़की है, वो क्या कर रही है, वो एक स्ट्रीम के अंदर, मतलब पानी के अंदर क्या कर रही है, एक बोट को रो कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो, इसमें दो चीज दी, एक तो दिया हुआ है इसमें डाउन स्ट्रीम, फिर दिया हुआ है इसमें अप स्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम क्या होता है, ये यहाँ पर क्या है, ये वाटर करंट है, ठीक है। अब देखो इस वाटर करंट की डायरेक्शन होती है, ठीक है ना, सपोज इस वाटर करंट की डायरेक्शन इधर की तरफ है, ओके। और जो बोट की डायरेक्शन है, यहाँ पर बोट भी इसी डायरेक्शन में जा रही है, वाटर करंट की और बोट की डायरेक्शन क्या है, दोनों की डायरेक्शन सेम है, ओके, दोनों की मूवमेंट दोनों का सेम है। तो इस वाली जो कंडीशन होती है, ठीक है ना, जबकि दोनों की तरफ एक ही डायरेक्शन में मूव करती है, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं डाउन स्ट्रीम, ओके। यहां पर दोनों की क्या है, डायरेक्शन सेम है। अब दूसरी कंडीशन उन्होंने दी हुई है कि अपस्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। तो अपस्ट्रीम क्या होता है, अपस्ट्रीम का मीन्स ये होता है कि अब वाटर की जो करंट की डायरेक्शन है वो तो सेम ही रहेगी, ठीक है ना, लेकिन यहां पर क्या है कि अब जो बोट की डायरेक्शन है, ठीक है, वो क्या हो जाएगी, वो आपकी हो जाएगी अपोजिट डायरेक्शन में। तो हम इस वाली कंडीशन को हम बोलते हैं अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम, ओके। तो डाउन स्ट्रीम जब होता है तो यहां पर जो हमारी स्पीड होती है वो दोनों की दोनों प्लस हो जाती है, ओके, ये भी और ये भी, बोट की स्पीड भी और हमारे जो करंट की स्पीड होती है, दोनों की दोनों स्पीड क्या होती है, प्लस हो जाते हैं। लेकिन जब अपस्ट्रीम होता है तो क्या होता है कि बोट की स्ट्रीम, बोट की स्पीड में से ये वाली स्पीड करंट की स्पीड क्या हो जाती है, माइनस हो जाएगी, ओके। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो हमारा इसमें क्वेश्चन में फाइंड क्या करना था कि फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ करंट। तो आपको उसकी रोइंग की स्पीड बतानी है, किस स्पीड से वो रोइंग कर रही है, ओके, इन स्टिल वाटर, स्टिल वाटर में मतलब शांत पानी में, और स्पीड ऑफ करंट, और आपको इसका करंट की स्पीड भी बतानी है, ठीक है। तो जो आपको फाइंड करना है उसको हम लेट कर लेते हैं, लेट द स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर बी एक्स किलोमीटर पर आवर, ओके, एंड द स्पीड ऑफ करंट, ओके, जो धारा का जो स्पीड है वो कितनी है, धारा की स्पीड है वाई किलोमीटर पर आवर। अब देखो, अब हम यहां पे लिख देते हैं कि उन्होंने दिया हुआ इसमें क्या था, ये आपको दिया हुआ था इसमें डाउन स्ट्रीम के लिए दिया हुआ था, पहले डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम के लिए यहां पे उन्होंने क्या दिया हुआ था कि 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स। तो ये जा रही है 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स, ओके। और इसमें उन्होंने अप स्ट्रीम के लिए क्या दिया हुआ था, अप स्ट्रीम के लिए दिया हुआ था 4 किलोमीटर इन 4 आवर्स। अब देखो यहां पर, अब हम यहां पे निकाल लेंगे इनकी स्पीड, ठीक है, स्पीड 4 या स्पीड 4 डाउन स्ट्रीम, ठीक है, स्पीड 4 डाउन स्ट्रीम क्या हो जाएगा, किसकी स्पीड, डाउन स्ट्रीम के लिए बोट की जो स्पीड है, रोइंग की जो स्पीड है, ठीक है ना। तो स्पीड आप यहां पे लिख सकते हो, स्पीड ऑफ रोइंग 4 डाउन स्ट्रीम, मैंने क्या बताया था आपको, दोनों की दोनों स्पीड क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है। तो ये हो गया x प्लस 1 किलोमीटर पर आवर, एंड स्पीड ऑफ रोइंग 4 अप स्ट्रीम,
अब स्ट्रीम के लिए क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, एक्स माइनस वाई किलोमीटर पर आर। अब देखिए, अब हम यहां पे लगाते हैं फॉर्मूला डिस्टेंस का। डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होती है, स्पीड इंटू टाइम। तो यहां पर लिख दो, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। तो यही फॉर्मूला हम लगाएंगे। सबसे पहले हम किसके लिए लगाएंगे, फोर डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम के लिए देखो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी इसमें, यहां पर डिस्टेंस हमें पता है, देखो डाउन स्ट्रीम में 20 किलोमीटर जा रही है 2 आवर्स में, ठीक है ना, तो ऑब्वियसली स्पीड इसमें ज्यादा है, ठीक है ना। यहाँ पे 2 आवर्स में 20 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर कर रही है जो बोट है, और यहाँ पर ये 4 आवर्स में 4 किलोमीटर, सॉरी यहाँ पे 2 आवर्स में, 2 आवर्स में 4 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 डाउन स्ट्रीम के लिए, मैंने इसलिए यहाँ पे क्या है, इसमें दोनों की स्ट्रीम्स का मतलब इसकी स्पीड यहाँ पे फास्ट है बोट की, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दोनों स्पीड क्या हो रही है, प्लस हो रही है। तो इसलिए हम यहाँ पे लगाएंगे S इंटू टी। तो S स्पीड क्या हो जाएगी डाउन स्ट्रीम के लिए, X प्लस वाई। अब इंटू टाइम, टाइम कितना है 2 आवर्स, ओके। तो स्पीड इंटू टाइम और डिस्टेंस, डिस्टेंस कितनी है 20 किलोमीटर, तो हम यहां पे लिख लेंगे 20। अब इसको इधर शिफ्ट कर दो तो क्या हो जाएगा, X प्लस वाई इज इक्वल टू 10। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 बन जाती है। अब इक्वेशन नंबर 2 बना लो, 4 अप स्ट्रीम। अब स्ट्रीम के लिए क्या हो जाएगा, मैंने क्या बताया था, स्पीड x माइनस वाई है, ठीक है, x माइनस वाई, और इनटू टाइम क्या है 2 आवर्स, इसमें टाइम भी 2 आवर्स है, लेकिन इसमें डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस बोलो इसमें 4 किलोमीटर है, ठीक है, क्योंकि उसको उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाना पड़ रहा है, बोट को करंट के अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। तो यहाँ पे x माइनस वाई इज इक्वल टू, आप इसको इधर लिख जाते हो तो 2 2 4 हो जाएगा, तो ये 2 हो जाएगा, तो ये इक्वेशन नंबर आपकी 2 बन जाती है यहाँ पे। अब आपको क्या करना है, इसको एलिमिनेशन मेथड से सोल्व कर लो और ये आपका फिर क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पे एकदम कम्प्लीट। अब देखिए यहाँ पे लिख लेते हैं x प्लस वाई और x माइनस वाई। x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना है 10 है, और x माइनस वाई इज इक्वल टू आपका कितना है 2 है। क्या करेंगे दोनों को, इक्वेशन नंबर 1 को और इक्वेशन नंबर 2 को एडिंग कर देंगे, एडिंग 1 एंड 2, वाई से वाई कैंसिल, 2x इज इक्वल टू 12, और यहां पर x इज इक्वल टू हो जाएगा 12 अपॉन 2, 2 6 12, तो यहां पर ये हो गया आपका x इज इक्वल टू 6। तो एक आपकी आगे वैल्यू x की। अब ऐसे यहां से y की वैल्यू निकाल लो, यहां पे लिख दो putting x is equal to 6 in equation number 2 और 1, 2, ठीक है, 2 में रख लेते हैं। x माइनस वाई, x की वैल्यू कितनी आई 6, माइनस वाई इज इक्वल टू 2, तो माइनस वाई इज इक्वल टू 2 माइनस 6, ओके। तो माइनस वाई इज इक्वल टू -4, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया आपका 4 आ गया। तो अब यहां पे बस फाइनल आंसर लिख दो, hence स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर इज कितनी आई है आपके 6 किलोमीटर पर आवर, एंड स्पीड ऑफ करंट इज 4 किलोमीटर, ये देखो y 4 था ना, स्पीड ऑफ करंट y हमने लिया था, y किलोमीटर पर आवर। और यहाँ पे स्टूडेंट्स आपका सॉल्यूशन हो गया कंप्लीट। आई होप कि आपके समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी आपको इसमें कहीं भी किसी भी स्टेप में डाउट है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स पे जरूर लिखना, और स्टूडेंट्स अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक करना और शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।